बेहतरीन मुकाबला लेकर मैं हाजिर हूँ आपके लिए। एक तरफ रहने वाली भाई रेड आर्मी की टीम, तो भाई दूसरी तरफ बात करें राजस्थान, राजस्थान की भाई युवा टीम है ये। SSB को हराया था, एक तरफा सा मुकाबला देखने को लगा था SSB के सामने, अच्छा गेम दिखाया था। गोरखपुर कबड्डी टूर्नामेंट का मुकाबला 2 लाख रुपये इनामी राशि का भी टूर्नामेंट है। रेड आर्मी के भाई कोच रणधीर सिंह जी, ओम भाई सत्येंद्र मेला, सत्येंद्र मेला भाई आर्मी से रिटायर हो चुके हैं। क्या सोच रहा साथ मोनू कैप्टन है आर्मी के। मुकाबला स्टार्ट होता साथियों पहली राइट, ऑफिशियल की बात करें तो भाई संदीप सराफत और वीरेंद्र पाल जी तीनों अनुभवी ऑफिशियल इस मुकाबले में। सोनू इस समय रेड में, सोनू मोड लाना 14 नंबर जैसी भाई रेड आर्मी की तरफ से, रेड आर्मी का प्रतिनिधित्व करता हुआ पहली रेड में। साहिल शर्मा इस समय रेड में, जो पहला मुकाबला हुआ था भाई इसमें एक अच्छी रेड देखने को मिली थी, बड़ा स्ट्रगल था, वो लंबा स्ट्रगल किया था, टीम को ऑल आउट दिया था SSB को। अच्छा साहिल थोड़ा जल्दी करके भाई, कुंदन राजस्थान का भाई एक उभरता हुआ स्टार रेडर, अच्छी स्पीड है, समन में फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है इस खिलाड़ी की, और बोनस का अटेम्प्ट किया रनिंग बोनस का। गोरखपुर कबड्डी टूर्नामेंट का मुकाबला, रेड आर्मी का खाता खुल चुका है, लेकिन भाई राजस्थान भी एक बेहतरीन टीम है। सुपर रेड लगा दी भाई, विकास चरण में राजस्थान टीम की अगर बात करें तो भी टीम जरूर अच्छी है, लेकिन ये रेड आर्मी के सामने क्या टिक पाएगी, खाता नहीं खुला अभी तक, दो का डिफेंस सुपर टैकल ऑन, चेतन क्या इस डिफेंस को 2 से 3 कर पाएंगे, अच्छा खिलाड़ी है राइट कॉर्नर में, और सुपर टैकल का प्रयास किया बिल्कुल भाई चेतन ने, काम कर दिया है, चेतन का नाम लिया और चेतन ने काम किया और खाता खोल दिया है। अभी लीग के मुकाबले में पूल का ये सिस्टम चल रहा है अभी, लेकिन जो अनसोल्ड प्लेयर है फिरो कबड्डी के पिछले सीजन में तेलुगु टाइटन का हिस्सा थे मोनू राठी और आशीष जयपुर पिंक पैंथर का, प्रदीप भी फिरो कबड्डी का हिस्सा थे, लेकिन इस बार अनसोल्ड रहे और अनसोल्ड प्लेयरों की भाई ये जंग चलती हुई गोरखपुर टूर्नामेंट में। और नंबर 80 में प्रदीप यादव, दो का डिफेंस में सुपर टैकल, उन्हें एक सुपर टैकल पहले लगा चुके हैं भाई, क्या फिर से सुपर टैकल हो, संघर्ष जारी है, चेतन लगातार लगे हुए हैं अभी भी भाई, संघर्ष जारी है, विश्व नहीं बची अभी, लेकिन यहाँ भाई छोटा लिया प्रदीप ने अपने आप को और निकल गए। चेतन ने भाई स्ट्रगल बहुत किया था, एक सुपर टैकल विकेट फेंस पर पहले लगा चुके हैं भाई, एक तरह से लगा भाई कामयाब हो जाएगा सुपर टैकल, लेकिन थोड़ी पकड़ ढीली हुई और प्रदीप की पकड़ स्पीड तेज हुई और निकल गए, लेकिन इस बार बाहर जाना होगा प्रदीप को। 10-3 का स्कोर, राजस्थान डिफेंस में
सुपर टैकल कर चुका है, रेड में पॉइंट अर्जित कर चुका है एक, और तीन पॉइंट है डिफेंस में, तीनों के तीनों भाई चेतन के नाम है। साहिल शर्मा 10 नंबर जर्सी में कमाल की जम देखने को मिली, एक और अच्छा प्रयास। चलो कुंदर एसएसवी के खिलाफ भाई अच्छा गेम दिखाया था, चार का डिफेंस है, वापसी करती है राजस्थान एक समय भाई का ये वाइड ऐसा। एक समय स्कोर की अगर बात करें तो 5-0 स्कोर था, लेकिन अब 6 पॉइंट का अंतर है, 5-11 स्कोर, मतलब जो 5 के 5 पॉइंट बने हैं राजस्थान के वो बिल्कुल बराबरी का सा मुकाबला चल रहा है। चेतन बहुत जल्दी कर रहे हैं, प्रदीप जैसे रेडर को आप एडवांस कैच नहीं लगा सकते भाई, पास थे अभी भी 8 पॉइंट का डिफरेंस। रेड आर्मी सबसे मजबूत अगर टीम की बात करें भाई इस लीग की तो रेड आर्मी का नंबर वन मेरे हिसाब से वन होना चाहिए। तीन कट पैस सुपर टेक लॉन गोरखपुर कबड्डी टूर्नामेंट, हर साल ये टूर्नामेंट होता है। दो खिलाड़ी कोर्ट में सुपर टैकल ऑन, लेकिन भाई प्रदीप नॉन स्टॉप रेडर है, हालांकि भाई कबड्डी में हर खिलाड़ी का तोड़ है, ऐसी बात नहीं किसी को नहीं रोका जा सकता, प्रदीप का भी तोड़ है, और वो खिलाड़ी भाई वो टीम में अभी आपको आगे देखने को मिलेंगी। एक और ऑल आउट, 46 स्कोर, प्रदीप
बिल्कुल भाई राजस्थान को बिल्कुल भाई राजस्थान को किरणसा लग गया है। मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा सा, 15 पॉइंट का अंतर, 6-21 का स्कोर है। चेतन के 3 पॉइंटों को निकाल दिया जाए तो पूरी टीम ने 3 पॉइंट अर्जित किया है। और एंकल होल्ड, समय लेते हो प्रदीप। दो ढाई चार कट पैसे आज कैश डिफेंस को भेज पाएंगे। फिर से भाई चेतन कुंदन, वो टेम्परामेंट, वो फ्लेक्सिबिलिटी आज नहीं देखने को मिल रही है जो कल के मुकाबले में एसएसबी के सामने देखने को मिली थी। वो अंतर है भाई, वो आर्मी का डिफेंस था, ये एसएसबी का डिफेंस था, वो ये आर्मी का डिफेंस है। और शूट किया भाई बुनिया ने, कुंदन को बाहर जाना होगा। डू डाई राइट, रेड राउट भाई 1-1 ही जाएगा। तीर कट पाया, शो पटक लो। ये परिस्थिति भाई बहुत बार आती है और ये भाई चेतन है, चेतन एक बेहतरीन भाई खिलाड़ी है और हाई फाई पूरा कर चुका है। 10 में से 5 पॉइंट चेतन के पक्ष में जाते हैं, 5 जाते हैं पूरी टीम के पक्ष में, जिसमें से 2 पॉइंट से 3 पॉइंट मिले हैं मात्र राजस्थान की टीम को। शाहिन को कैच लगा दी भाई, दस पच्चीस इसको। गोरखपुर रेल स्कोर की बात करें भाई साथियों, 10-26 का स्कोर है। दो गड़ पे सुपर टैकल ऑन एक बार फिर, और ये परिस्थिति भाई करीब करीब 4-5 बार आई है भाई साहब। चाय दिए, चाय डू ऑर डाई राइट, टैकल हुआ तो ये कोर ऑल आउट, क्योंकि लास्ट खिलाड़ी कोर्ट में, इसके बाद रह जाएंगे और वही स्थिति। एक ओवर ऑल आउट मिलता हुआ, मारेगा
ये कमाल का हिट है भाई। हाफ टाइम है, हाफ टाइम में समय स्कोर की बात करूं तो 11-30 का स्कोर है। फर्स्ट हाफ की अगर कहानी की बात करें तो पूरी तरह से मुकाबला एक तरफा हो गया है। स्कोर 11-30, 19 पॉइंट का अंतर है, लेकिन जिस तरह का गेम रेड आउट भाई। एक और पॉइंट इजाफा होता हुआ, हालांकि भाई दो सब्स्टिट्यूट देखने को मिले, तीन सब्स्टिट्यूट देखने को मिले रेड आर्मी की टीम में, विकास सम्राट में। विकास की बात करें, कुंदन की बात करें, साहिल की बात करें, वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए अभी तक, लेकिन हो सकता है वो प्रभाव देखने को मिले क्योंकि तीन सब्स्टिट्यूट हुए हैं। मोनुराठी प्रो स्टार बाहर है तो उनको विकास ने उसका फायदा उठाते हुए राइट कॉर्नर पर स्लिप लगाई और एक अच्छा प्रयास टोटस देखने को मिला। कुंदन एक और कमाल का टैकल, डू डाई राइट, लीग मैच है और भाई जब मैच तरफा हो जाता है तो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को परखना अच्छा विकल्प हो सकता है। तीन नंबर जस्ती में राजस्थान की तरफ से भाई अच्छा प्रयास किया था दो रेड में और भाई यहां भी एक बेहतरीन समझदारी दिखाते हुए पॉइंट चुरा लिया भाई। स्कोर डिफरेंट की बात करें तो 20 पॉइंट का भी अंतर है। जो भाई सेकंड हाफ में जो अंतर है उसमें ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन फर्स्ट हाफ में जो अंतर था वो 19 पॉइंट का अंतर था। अच्छा गेम, आर्मी रेड की तरफ से दोनों भाई कॉर्नर लगे हुए हैं परसूट के लिए, लेकिन सब कुछ सामान्य स्थिति में समय राजस्थान के लिए डूडाई।
बड़ा अंतर है भाई, ही कॉल आउट के साथ आप मुकाबले में वापसी कर सकते हैं, नज़दीक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो वापसी कौन कराएगा? डिफेंस या रेटर राजस्थान के, लेकिन एक पक्ष आपकी वापसी नहीं करा सकता है, रेडर को चलना होगा, डिफेंस काम करना होगा। हालांकि वो दो जो रेड हुई हैं, एक राजस्थान की तरफ से, दूसरी आर्मी रेड की तरफ से, तो उसमें देखने को मिला है। लेकिन बाहर जाना होगा इस बार कुंदन को। चेतन चल रहे हैं भाई, हर तरह का प्रयास किया गया चेतन की तरफ से, और अच्छे टैकल देखने को मिले आज। कल भी हाई फाई पूरा किया था एसएसबी के सामने, आज भी हाई फाई। हरियाणा लास्ट एंड फाइनल कॉल, हरियाणा वर्सेस आर्मी ग्रीन नई दिल्ली, लास्ट एंड फाइनल फॉर द टीम मेजर सेट ऑफ टीम दिल्ली कोर्ट नंबर 2। हरियाणा और आर्मी ग्रीन के लिए अंतिम पुकार, दोनों टीमें अपना कोर्ट नंबर 2 पे रिपोर्ट करें। हरियाणा और आर्मी ग्रीन कोर्ट नंबर 2 पे अभिलंब रिपोर्ट करें। मुकाबले में भाई कुछ बचा है नहीं, अंतर बड़ा है। स्कोर की बात करें तो 19-37 का स्कोर है, बड़ा मार्जिन है। सिर्फ भाई आर्मी को समय काटना है, कैसे भी हो जो 6-7 मिनट का समय बचा हुआ है उसे पूरा करना है। डू डाई डाट है, 5 का डिफेंस, डू डाई आर्मी की तरफ से भी, एक तरफ 5 का डिफेंस है, एक तरफ 6 का डिफेंस था, मनुष्य का अटेम्प्ट किया है। अंतिम 5 मिनट का अनाउंस हो चुका है, फिर से वही प्रयास भाई समय काटते हुए। अंतिम 4 मिनट का समय शेष, उन्नीस 39 स्कोर डिफरेंट, फिर से भाई 20 पॉइंट का पहुंचता हुआ। अंतिम 3 मिनट का समय, लेकिन क्या कुछ घटता है भाई इस 3 मिनट में। गेम का निर्णय तो मेरे हिसाब से आ गया है, आर्मी रेड ने बड़ी बढ़तरी रखी है, और एक और टैकल डूड है आर्मी की तरफ से।
आते 2 मिनट का समय शेष। मुकाबला समाप्त होता साथियों। स्कोर की बात करें तो भाई 20-42 के साथ इस मुकाबले को अपने पक्ष में लिया है आर्मी रेड ने। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।